अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है मसाला डोसा। सबका फेवरेट है मसाला डोसा, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट रेसिपी लेकर आई हूँ मसाला डोसा, चटनी, सांभर और सब्ज़ी जो होती है मसाला डोसा की। तो यहाँ पर मैंने ये दाल और चावल भिगा कर रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल में 1.5 किलो उड़द की दाल ली है। वैसे तो मैंने पूरी ग्लास की क्वांटिटी भी रिकॉर्ड की थी इसके पहला, लेकिन वो पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो इसीलिए ये मैं आपको इस तरह से भिगा कर बता रही हूँ कि ये 1 किलो चावल और 1.5 किलो उड़द की दाल है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रख दिया था, और भिगोने के बाद उसे अच्छी तरह से मैंने धोकर जो है अब मैं उसे पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जार में हाफ़ जार लिया है, हाफ़ जार भर के मैंने दाल और चावल लिए हैं और मैं इन्हें अभी पीस लूँगी। तो उड़द की दाल के साथ में जो चावल होता है वो नॉर्मल चावल, कोई बासमती चावल नहीं होता है डोसे के लिए। डोसा राइस अगर आप बोलोगे तो आपको शॉप से आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है उसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी इसका। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से स्मूथ इसका पेस्ट होना चाहिए। इस तरह से उंगली पर आप उसे मसल कर देखिए कि इसकी कितना, मतलब कितनी बारीक इसकी कनी हुई है। जितनी ज़्यादा बारीक आप इसको करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डोसे का जो बैटर है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। और अगर आप इडली के लिए पीस रहे हो तो थोड़ा कनीदार होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट जार जो है इसमें टोप में डाल दिया है। अब मैं सेकेंड टाइम पीसने के लिए जा रही हूँ। इस तरह से मैं सारा बैटर इसका रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सारा बैटर 1 किलो दाल का, 1 किलो चावल और दाल का जो है मैंने रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कितना स्मूथ मैंने पीसा है इसे। और ये जो लास्ट में जार है इसे भी मैं खंगाल कर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मैं आपको अपने हाथ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से कर लिए है, क्योंकि अब मैं अपने हाथों से इस बैटर को अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। ये एक ट्रिक है कि अगर जैसे कि डोसे में फर्मेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको फर्मेंट होने के लिए इसमें खमीर जितना अच्छा अगर आपको चाहिए तो आपको इसको लाजिम हाथों से मिक्स करना होगा। क्योंकि अगर आप कोई स्पैचुला या स्पून से मिक्स करोगे तो इतना अच्छा खमीर इसमें नहीं आएगा। तो आप आपके हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से इसके अंदर एक फोम टाइप हो जाए ये इतना गाढ़ा गाढ़ा बैटर, पूरा अच्छा पानी जो इसमें हमने एक्स्ट्रा डाला था लास्ट में वो भी मिक्स हो जाए। और इसमें याद रहे इसमें सॉल्ट बिल्कुल ना डालिए, क्योंकि ये मैं रात में अभी पीस के रख रही हूँ। ये पूरी रात भर फर्मेंट होने के लिए मैं इसको रख दूँगी। रात का वक्त है जब मैं इसको पीस रही हूँ, तो अब मैं इसको रख दूंगी अच्छे से। ये सुबह में मैं इसके डोसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पतीला जो है भर गया है, और यहाँ पर मेरी पूरी आधी फिंगर है ना, इतना गैप है इसमें, ये इतना बाकी है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको कल सुबह बताऊंगी कि ये कितना फर्मेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए इतनी स्पेस इसमें बची हुई है। अब इसे अच्छी तरह से कवर करके इसके ऊपर कोई वज़न चीज़ रखना है, और ऐसी जगह इसे रखना है जहाँ पर ज़्यादा गर्म हो। गर्म जगह इसे रखना है, ठंडी जगह इसे नहीं रखना है। मैं इसे ओपन करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप, ये सारा इस ढक्कन के ऊपर तक चिपक गया है, इसके ऊपर तक, ये ढक्कन के ऊपर तक टच हो गया है, ये इसके ऊपर लग गया है। मैंने आपको रात में बताया था कि मेरी ये पूरी आधी फिंगर यहाँ से जो है इसके अंदर जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा ऊपर तक आ गया है। यहाँ तक कि जो ये इसका ढक्कन था इसके ऊपर सारा लग गया है। तो माशाल्लाह देखिए आप कितना अच्छा खमीर आया है इसके ऊपर, कितना अच्छा ये डोसे का बैटर फॉर्मेंट हो गया है। तो कितना, अब मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया है, अब सॉल्ट मैं अब इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसका आधा बैटर जो है पहले तो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे सारे में अभी सॉल्ट ऐड नहीं करना है। तो मैं आधा छोटे बर्तन में निकाल लूँगी जितना मुझे बनाना है, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कैसे बबल्स आ रहे हैं अपने आप से ही। मैंने इसमें कोई सोडा नहीं डाला, मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, ये सब कुछ अपने आप से ही इसमें नेचुरली हो रहा है।
तो इस तरीके से ये फर्मेंटेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तक हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लूँगी, थोड़ा सा इसको निकाल लूँगी और जितना मुझे चाहिए मैं उतना यूज़ करूँगी उसमें नमक मिलाकर, और जितना मुझे नहीं चाहिए मैं उसे दूसरे पतीले में निकाल कर रख दूँगी और उसमें मैं नमक नहीं डालूँगी और मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। तो जब मुझे दूसरी बार चाहिए होगा बनाने के लिए तो मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं अभी आधा जो है इसको दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दूँगी। आधा जो है इतने बड़े पतीले में एक्स्ट्रा निकाल लिया है, जो मैंने आपको रात में बताया था कि मेरी आधी फिंगर इसके अंदर जा रही है, सेम उतना ही पोर्शन मैंने इसका निकाल लिया है। ये देखिए, तो अब मतलब ये जो है एक्स्ट्रा है, इतना ज़्यादा ये फर्मेंट हुआ है। सेम ये कुछ एक किलो तक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको चटनी बनाना बताती हूँ कि चटनी डोसे की कैसे बनाते हैं। मेरे तरीके से मैं बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, तो ये है मेरा तरीका। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक अखा नारियल लिया है, एक पूरा अखा कोकोनट जो होता है वो मैंने पूरा जो है इस तरह से मैंने उसे लंबा लंबा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 6 मिर्चियाँ ली है, हरी मिर्च, और कुछ 10 से 11 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और ये है जो चना है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये है चना, जो चना हम लोग नॉर्मली जो खाते हैं वो चना है। आप चाहे तो शॉप पर से रोस्टेड चना दाल भी ले सकते हैं। अगर आप बोलोगे शॉप पर तो कि मुझे चटनी बनाने के लिए फुले चने की दाल चाहिए रोस्टेड, तो वो लोग देते हैं, वो इस तरह से जो है हाफ़ पीसेस में मिलती है। तो मेरे पास ये वाला जो चना था ना, घर में हम लोग खाते थे, तो ये बहुत ज़्यादा रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि जब ये है तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया था कुछ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। तो जो इसका छिलका था ना ऊपर का सारा, वो जो है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, सारा का सारा जो छिलका इसका बाहर आ गया। तो मैंने उसे चनो, ये देखिए इसका सारा छिलका है, ये छिलका इसका सारा उतर गया, तो फिर मैंने ये जो चना यूज़ कर लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहला मिक्सर के जार में मैं ये कोकोनट को ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये जो है मैं इसे डायरेक्ट इसी तरह से ग्राइंड करूँगी ताकि इसके जो है छोटे छोटे पीसेस हो जाए, वरना फिर मिक्सर में प्रॉब्लम आती है। मेरे मिक्सर में प्रॉब्लम आती है, आपके मिक्सर में अगर नहीं आती होगी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है, और जो ये मिर्चियाँ हैं मैं इसे भी डाल दूँगी, और साथ में मैं ये लहसुन भी डाल दूँगी। ये जो चना है, ये चना भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने मज़े के हिसाब से ऐड कीजिए। तो अब मैं इसे इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा जो है ग्राइंड कर लिया, ये आधा आधा सा पीस गया है पानी के बगैर। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, मैं पानी ऐड कर रही हूँ, आधा ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए चटनी मैंने पीस ली है, चटनी रेडी हो गई है मेरी। तो अब मैं इसे तड़का तो नहीं दूंगी, क्योंकि जो चटनी बाहर स्ट्रीट साइड डोसे बनाते हैं, तो जो डोसे की चटनी होती है उसमें वो लोग तड़का नहीं लगाते हैं। वो लोग जो है हम लोग भी घर में जो है जो इडली की चटनी होती है ना उसमें तड़का लगाते हैं, और जो डोसे की चटनी होती है वो इस तरह से बनाकर उसके ऊपर तड़का नहीं लगाते, बस वो इसी तरह से रहती है। तो घर में शुरू से बनाते हैं, तो मम्मी भी मेरे थे तो वो भी डोसे की चटनी में तड़का नहीं लगाते थे। अगर आपको पसंद है तड़के वाली चटनी तो आप भी इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लेकर उसमें राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता क्रैकल कर लीजिए, वो जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इस चटनी के ऊपर आप इस पर तड़का लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आलू बॉईल कर लिए हैं, कि जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा टिफ़िन सर्विस है, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, ताकि हम लोग घर में तो खाते ही है और फिर बाहर भी मुझे कभी ऑर्डर आता है तो मैं उसमें से सर्व करती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। डोसा भी मैंने बैटर, डोसे का बैटर है वो भी मैंने आपको देखा होगा कि मैंने ज़्यादा पीसा था, तो इसीलिए ये जो डोसे की सब्ज़ी है आलू की जो मैं बनाऊँगी वो भी मैं 1.5 किलो की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं सारा कुछ इन्ग्रीडियंट इसमें लूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो उन सारे इन्ग्रीडियंट को आप कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आलू को छील लेती हूँ पहले। तो
तो यहाँ पर है जो मैंने आलू, सारे आलू छील लिए हैं। अभी मैं आलू की सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस शुरू करती हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी बनाने से पहले मैं सांभर के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। यहाँ पर मैंने ये देखिए तुअर की दाल जो है, अरहर की दाल भी जिसे कहते हैं, तो ये तुअर की दाल यूज़ करते हैं सांभर के लिए। तो मैंने इसे एक घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसे कुकर में चढ़ा देती हूँ तो ये एक साइड में जो है दाल गलती रहेगी और दूसरे साइड में मैं सब्ज़ी को पका लूँगी। देखिए मैंने जो डोसे की भाजी को पकाने के लिए इंग्रेडिएंट लिया है वो है, मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, ये जो है चार बड़े बड़े कलियाँ प्याज के मैंने लिए हैं। मैं डोसे की सब्ज़ी में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने चार बड़े बड़े कान प्याज लिए थे और मैंने उसे इस तरह से बड़ा बड़ा पीसेस में काट लिया है। पाँच मिर्चियाँ ली हैं मैंने, उसे भी बड़ा बड़ा काट लिया है। कड़ी पत्ता है और ये है जो चने की और उड़द की दाल है, राई और ज़ीरा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से पकाया जाता है डोसे की सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ऑलरेडी चढ़ा दिया है। तो देखिए फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया, मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी डोसे की सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है, मैं अब इसमें राई डाल रही हूँ, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। ज़ीरा क्रैकल हो गया है, अब मैं इसमें ये जो दाल थी वो डाल दूँगी। ये ब्राउन हो जाए, इसका सुनहरी कलर हो जाए हल्का सा, और ये देखिए क्रैकल होने की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो बस इसकी अच्छी सी सुंदी सी स्मेल आने लग जाए ना, उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर कुकर चढ़ाया हुआ है, उसमें दाल गल रही है। बस ये देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। साथ में मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी ताकि जो ऑनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया है, आप अपने मज़े के हिसाब से डालिए। इसको लाल नहीं करना है प्याज को, और बस इसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ये। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दूंगी। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी क्योंकि थोड़ा पीला कलर होता है ना सब्ज़ी का, तो अच्छी लगती है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है कुकर का, दाल गल गई होगी। अब इसकी स्टीम जो है अपने आप ही निकल जाए तब मैं कुकर का ढक्कन खोल दूँगी। ये सब्ज़ी का जो मसाला था वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं आलू को कट किया नहीं था, तो मैं अभी ऑन द स्पॉट कटिंग। ये अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। को मैंने किया कवर, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि मैं इस पर जो है अब सांभर की तैयारी करूं। तो ठीक है, वो अब मैंने रख दिया है 5 मिनट के लिए दम पर। अब हम तैयारी करते हैं सांभर की।
तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से गल गई है, मैं आपको बता दूं, ये देखो अच्छी तरह से ना ये दाल गल गई है। थोड़ा सा घोल लेंगे कोई भी स्मैशर से या दाल घोटनी से, इस तरह से इसको मैं स्मैश कर लूँगी। स्मैश कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ही किया है क्योंकि ये आगे फिर से अभी इसको बॉईल होना है तो ये अपने आप हो जाएगी। अब मैं मुझे इस कुकर की ज़रूरत है तो मैं इसे दूसरी पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कुकर से चढ़ा दूँगी। दोबारा से डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी राई जीरा, ये हो गया राई, अब हो गया ये जीरा। ठीक है, राई जीरा होता है, उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी कुछ कड़ी पत्ते, ये हो गई एक बड़ी गली प्याज की मैंने लिया है, इसको भी मैंने जाड़ा जाड़ा काटा इस तरीके से। ये मैंने सांभर में डालने के लिए जो सब्जी ली है वो है ड्रमस्टिक, यानी के क्या बोलते हैं, सेंगट की फल्ली, और दूसरा है पम्पकिन यानी के कद्दू, भोपला भी जिसे बोलते हैं। मैं बस दो ही सब्ज़ी डाल रही हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर या फिर दूधी, आलू और बैंगन, बहुत सारी सब्ज़ी पड़ती है इसमें, लेकिन बस मैं ये दो ही सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसमें ये दोनों सब्ज़ियों को ऐड कर दूँगी, इसको थोड़ा मसालों के साथ भून लूँगी। ये मेन तो इसके अंदर क्या है, ये वाली चीज़ सांभर में ड्रमस्टिक, इसका जो फ्लेवर आता है ना सांभर में वो सबसे बेस्ट है। बाकी आप कोई सब्ज़ी डालो नहीं डालो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन तो यही सब्ज़ी होती है। आजकल वैसे भी बाहर स्ट्रीट साइड फूड जो हम खाते हैं उसमें कौन सा वो लोग वेजिटेबल्स डालते हैं सांभर में, लेकिन हम लोग घर में बना रहे तो हम लोग थोड़ा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ताकि इस बहाने से हमारे बच्चे और हम लोग थोड़ा वेजिटेबल्स को अच्छे शौक से खा सके। सांभर में अच्छा लगता है थोड़ा ये फ्लेवर, लेकिन जब बाकी के जो सब्ज़ियाँ आती है ना तो वो फिर मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, तो हम लोगों को भी, मुझे भी पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते, ये वाली सब्ज़ी तो फिर भी खा लेते हैं। तो अभी ये हो गया फ्राई करके। तो यहाँ पर मैं है ना सुहाना का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए। आप चाहे तो कोई दूसरा ब्रांड का यूज़ करें, चाहे एवरेस्ट का, चाहे जो भी बादशाह का हो तो आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सुहाना का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये बड़ा वाला चम्मच जिससे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ ना, टेबल स्पून से ज़्यादा बड़ा ही है, तो समझो आप इसके अंदर आएंगे 3 टेबल स्पून। अब तक का मैंने इसमें डाल दी हूँ, अगर मुझे आगे ज़रूरत लगती है तो मैं इसमें और भी ऐड करूँगी, और मैं सिर्फ इसमें यही मसाला डालूँगी और बाकी कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। तो ये हो गया रेडी, अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो ये दाल मैंने बॉईल करके रखी थी, दाल डाल देंगे इसके अंदर। ककड़ी इंग्रेडिएंट भूल गई, सॉरी किसी को पता ना चले। तो जब सब्ज़ी भून रहे थे ना तो उस वक्त है ना टमाटर भी डालने थे, ये देखिए मैंने टमाटर बाहर निकाल के नहीं रखे थे फ्रिज से, इसके वजह से मैं भूल गई। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, इसको टमाटर को अभी ऐड कर रही हूँ। तो अगर इसको अभी भी ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होता है जब सब्ज़ी के साथ में टमाटर थोड़ा भून लेते हैं ना तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते, तो मैंने अभी उसको जब ही ऐड नहीं किया और अभी मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो आप जब बनाओगे ना सांभर तो शाम के वक्त भूनने के टाइम टमाटर डाल दीजिए, तो टमाटर सॉफ्ट जल्दी हो जाएंगे। तो अभी मेरे को और पानी की ज़रूरत है इसमें, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, ये अभी गाढ़ा हो जाएगा। और हाँ, मैं इसमें इमली का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हमारे घर में इमली अवॉइड करते हैं सब लोग,
तो इसके लिए अगर आपको इमली चाहिए ना, पहले तो इसको अच्छे से गल जाने दीजिए सारी सब्ज़ियों को, वरना फिर इमली का पल डाल देंगे तो फिर सब्ज़ी गलती नहीं है। 9 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ अभी वापस से मैं, पहले भी डाला था मगर कम दिख रहा है। और मसाला भी मैं इसमें डालूंगी। और इसमें कोई इशू नहीं है कि ना मसाला आप बाद में भी डालते रहिए, तो सांभर का मसाला डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर से भी अगर कम लगता है ना तो डाल सकते हैं। क्योंकि टमाटर अपनी खटास तो छोड़ता ही है, तो इसके लिए जो है मैं इसमें इमली यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस अब इसका कुकर का ढक्कन बंद करना है, एक विसल आ जाए इसके अंदर बस, उसके बाद गैस बंद करके इसकी स्टीम बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद में इसको ओपन कर दीजिए। बस सांभर रेडी। ये देखिए मैं आपको सब्ज़ी बताती हूँ इस तरह से इसकी मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। इसको मैश करना है तो आप मैश भी कर लो। बस सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है डोसे की। मैं इसमें कोथमीर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आपको चाहिए तो आप कोथमीर ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन डोसे की सब्ज़ी में कोथमीर नहीं होती है, वरना फिर तो वो अलग ही हो जाएगा उसका फ्लेवर, डोसे का फ्लेवर। मतलब इसके अंदर जो इसकी दाल की खुशबू आती है ना, वो मेन होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर कोथमीर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ना, तो वो दाल की खुशबू चली जाएगी। इसके लिए मैं इसमें कोथमीर वगैरह जो है नहीं ऐड करूँगी, आपको चाहिए तो आप कर सकते हो ऐड, क्योंकि मुझे ये दाल की खुशबू को मेंटेन रखना है, वो मुझे बहुत पसंद है। चलिए ये हो गया, इसका अच्छा खासा कलर है, येलो कलर है इसका, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। ओके परफेक्ट। बारिश हो रही है और साथ में आज बन रहा है डोसा। डोसा बन रहा है आज, हम इंजॉय करेंगे बारिश के साथ में डोसा, मज़ा आ जाएगा ना। तो आप ही बताइए कि आज संडे स्पेशल में आपने क्या बनाया। देखो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ना ट्रांसफ़र कर लिया था पहले, थोड़ा एक बड़े टोप में, छोटे टोप में मैंने निकाल लिया है, उसके बावजूद ये फिर से फूक गया, फिर से बड़ा हो गया, ये फिर से फर्मेंट हो गया, ये ऊपर आ गया दोबारा से। अभी मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ ना, तो ये फिर अब इसका फर्मेंटेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ये मैंने इसमें डाल दिया नमक, तो करते मिक्स। नमक डालने से ना थोड़ा फर्मेंटेशन कम हो जाता है। ये मैंने इसमें से 1 किलो तक का आटा निकाल लिया था, इसका बैटर डोसे का, ये दोबारा से फूक गया इसके अंदर। मैंने ऑर्डर भिजा दिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए, ये डोसा मैं बना रही हूँ।
मेरी मम्मी उनके लिए, तो उसको है ना ज़्यादा कड़क वाला पसंद नहीं है, क्रिस्पी वाला उसको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा जाड़ा बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं उसके लिए सर्व कर रही हूँ, और उसको ना सब्ज़ी चाहिए ना सांभर चाहिए, बस उसको चटनी और डोसा खाना है। तो मैं अब इसको देती हूँ, देखते हैं उसको पसंद आता है या नहीं। वो बहुत फीका खाना खाती है, उसको बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं चाहिए, मुझे पता है उसको ये भी स्पाइस लगेगा। पानी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। तो अब ये चटनी को जो है मैं एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके सारी जो चटनी खाली कर दूंगी मैं, और उसके बाद में मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, कि ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रख सकते, फिर ये ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने अभी इसको जो है खाली कर लिया है एयरटाइट कंटेनर में, अब मैं इसको फ्रिज में रख। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोसा बन गया, मेरे ऑर्डर चला गया, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। अब ये यहाँ पर जो है नाश्ता तो नहीं खैर कह सकते, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है तो उन लोगों ने खा लिया है, तो उनका नाश्ता, और समझो अब वो लोग लंच भी बहुत लेट करेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने अब वो भी वॉश कर लिया है। तो मुनमुन ने अपनी प्लेट लाकर दी थी मुझे, वो बोल रही थी कि मैं अपनी प्लेट खुद वॉश करूँगा। वो है ना इस तरह से, मतलब लड़कों की तरह बात करती है कि मैं करूँगा ऐसा। तो मैंने भी उसको मनाने की, आ बड़ी होगी तो खुद उसको समझदार होगी तो छोड़ देगी, तो उसने अपनी खुद ही प्लेट वॉश कर ली है। तो अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करेंगे तो उनको अच्छा आदत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बस मेरे बर्तन हो गए हैं धोकर। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दी हूँ, ये बच्चों के यूनिफॉर्म्स हैं, तो मैं बच्चों के दोनों बच्चों के कपड़े जो है सेपरेट ही वॉश करती हूँ, साथ में वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उससे स्किन का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए बच्चों के कपड़े जो है सेपरेट धोना चाहिए। तो उसके बाद में जो है मैं वॉशरूम क्लीन कर दूँगी। कि वॉशरूम क्लीन करने के लिए मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो ये लिक्विड है येलो कलर का, ये एक ब्लीच लिक्विड है, एक आला है, तो ये बहुत ही इजीली सब कुछ क्लीन कर देता है। और हाँ, इसे यूज़ करने से पहले मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और यहाँ पर मैंने बस वो लिक्विड जो है फ्लोर पे पूरा फैला दिया, और उसके बाद उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने रखा है, और उसके बाद मैंने सादे पानी से पूरा वॉशरूम को वॉश कर लिया। थोड़ा सा झाड़ू की मदद से मैंने उसे क्लीन कर लिया, इसको कोई मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से जो ये वॉल बेसिन के कॉर्नर लाइन, जो टाइल्स की कॉर्नर लाइन्स ब्लैक हो जाती है, उसके वहाँ पर भी ये आला थोड़ी देर डाल के रख देंगे तो वो उसे बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है मैंने वॉशरूम क्लीन कर दिया है। तो बस मैं अब फ्रेश होकर अब ये वाला डोसा जो है अपने लिए बना रही हूँ। तो मैं हमारे घर में सबको अलग अलग तरीके का डोसा चाहिए होता है, तो उस तरीके से जब भी जिसको जैसे डोसा चाहिए होता है मैं उन लोगों को वैसे बना के देती हूँ। तो मुझे ऐसे स्टफ़ करके खाना था सब्ज़ी को डोसे के अंदर डायरेक्टली, तो मैंने इसलिए अपने लिए इस तरह से बना लिया है। तो ऐसे आस्ते आस्ते जो है जैसे जिसको चाहिए होगा, किसी को सब्ज़ी अंदर डालकर पसंद है, किसी को सब्ज़ी बाहर पसंद होती है। तो बस सारा काम करके मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट जल्द से जल्द जो है इस तरह से अपने लिए बना लिया डोसा। और अब मैं अपना डोसा इंजॉय करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बारिश का मौसम है, यहाँ पर बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज विंडो के सामने बैठ कर अपना डोसा इंजॉय करती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने जो है अपने विंडो के सामने बैठ के ही अपना डोसा एंजॉय किया।
बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करके अब उठ गई हूँ। शाम का वक्त है, शाम हो गई है, तो अभी जो है मुनमुन का होमवर्क का टाइम हो गया है। बहुत ज़्यादा होमवर्क है उसका, तो बस मैं उसको होमवर्क की तैयारी कर रही हूँ। होमवर्क कर रही है वो अपना। आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। चलो अभी स्टिक करो। Next. What is this? Umbrella. Umbrella inside. Inside. Mix. तो मुनमुन की स्टडीज़ हो गई है, अब मैं इन लोगों को डोसा फिर से बना के दे रही हूँ। इन्होंने फरमाइश की है मेरे बच्चों ने कि हम लोगों को डोसा चाहिए, तो दोनों की अलग अलग फरमाइश है, दोनों को अलग अलग तरीके का डोसा चाहिए। तो मैं पहले जो है बेटे को दे दे रही हूँ। मैंने उसके लिए शेज़वान डोसा बनाया है। यहाँ पर मैंने डोसे के ऊपर शेज़वान चटनी लगाई और फिर उसके बाद उस पर भाजी डाली मैंने डोसे की, जो आलू की भाजी है। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने उसे क्रिस्पी करके दिया है, क्योंकि वो जो है टमाटर कांदे वगैरह जो है ना वो नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी, और यहाँ साथ में मैं जो है दूसरे डोसे की तैयारी कर रही हूँ, जो कि है मेरी बेटी के लिए, मुनमुन के लिए। तो उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है डोसे के साथ में, तो मैंने उसको बोला है कि आपको मैं अलग फ्लेवर बना के देती हूँ। तो मैं उसको चीज़ डोसा बना के दे रही हूँ, जिसमें मैंने ये उसके लिए थोड़ा जाड़ा डोसा बनाया है। मैंने थोड़ा सॉफ्ट पसंद करती है वो, और यहाँ पर मैंने उस पर मोंजरेला चीज़ डाल दिया है, और बस थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पेरी पेरी जो पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, और कुछ भी नहीं, बस उसे थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से सेक कर मैं उसको दे दूंगी। तो ये देखिए, ये अब चीज़ के बारे में सुन के किस तरह से एक्साइटेड होगी। मैं अपने लिए बना रही हूँ डोसा, तो मैं अपने लिए भी शेज़वान डोसा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने शेज़वान सॉस लगाया है, उस पर चटनी और जो है आलू की सब्ज़ी और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर डाल के उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया, और उसके बाद मैं इसे क्रिस्पी सेक लिया। बस मेरा डोसा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग्स अच्छा लगा होगा और मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।